बरसात के मौसम की पहली तेज बारिश ने ऊना को हिलाकर रख दिया है। हर कहीं बरसात का पानी देर रात से कहर मचा रहा है, लेकिन आपदा प्रबंधन कहीं नजर नहीं आया। भूकंप की कई जगहों पर मॉक ड्रिल करने वाला आपदा प्रबंधन बाढ़ केस में गायब हो गया। प्रतीत हुआ कि मदद के लिए लोग यहां वहां घंटियां गनगनाते रहे लेकिन घंटों बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। लोगों को अपनी मदद स्वयं करनी पड़ी। आलम यह रहा कि तड़के से तेज बारिश से ऊना के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। फ्रेंड कॉलोनी का सबसे अधिक बुरा हाल रहा। रोटरी चौक पर भी कई फुट पानी जमा रहा, जिसके चलते यहां आवाजाही भी प्रभावित रही। वहीं कहीं निचले इलाकों में बसे घरों व दुकानों में भी बरसाती पानी ने घुसकर नुकसान किया। परिवार के लोग आपदा प्रबंधन से संपर्क साधते रहे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं आई। लोगों के घरों का कीमती सामान पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहा है। फ्रिज, सोफे, बेड बॉक्स और खाने का सामान भी पानी में तैर रहा था। लोगों की माने तो उन्हें खाने के लिए भी अब दिक्कतें हो रही है। क्योंकि सारा सामान पानी में खराब हो चुका है। मौके पर कोई भी प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालयों में सहित अन्य सरकारी दफ्तर, मिनी सचिवालय भी बरसात के पानी से भर गया। एसपी कार्यालय सहित एसपी का अपना चैम्बर भी बरसात के पानी से लवरेज हो गया। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालयों सहित अन्य सरकारी दफ्तर पानी से लवरेज हो गए। दुकानों व घरों में बरसात के पानी ने खूब कहर मचाया। वहीं एसपी, डीएसपी ऑफिस भी और बाकी सभी कमरे पानी से लबालब हो चुके हैं। पुलिस के लोग पानी निकालने में लगे हुए हैं। कीमती रिकॉर्ड भी काफी मात्रा में खराब हो चुके हैं। फाइल पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही है। आज की तेज बारिश ने जिले की हालत खराब कर दी है। फिलहाल पुलिस को कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से परहेज कर रहा है। पानी बड़े होने के कारण बड़े अधिकारी भी आज एसपी ऑफिस में दिखाई नहीं दे रहे। ऊना की गारणी खंड में पानी ज्यादा आने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली सहित तीन लोग फंस गए। दरअसल ये व्यक्ति खड्ड में पत्थर ट्रॉली में भर रहे थे, तभी पानी का बहाव तेज और ज्यादा हो गया। तीनों युवकों ने जब पानी ज्यादा आता देखा तो भी ट्रैक्टर पर चढ़ गए, लेकिन काफी समय बही पर फंसे रहे। और बाद में जब पानी का बहाव कम हुआ तब एक ट्रैक्टर को रस्सा डालकर ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान काफी लोगों की भीड़ भी वहां पर जुट गई, लेकिन बाद में एक बड़ी गाड़ी को वहां पर लाया गया और उससे रस्सा डालकर इस ट्रैक्टर और तीन लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया। ये घटना वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली है और एक युवक ने सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रैक्टर में तीन लोग फंसे हुए हैं और अपनी जान बचाने की आस लगाए हुए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य गोल्डी चौहान ने अवैध खनन को लेकर फंसे इन लोगों को लेकर प्रशासन से अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि लोगों की कीमती जान बच जाए और कोई हादसा न हो। गनीमत यह रही कि सही मौके पर जान बचाई गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सोलन के पीजी कॉलेज में आज सुबह से ही हंगामा देखने को मिला, जहां एक और एबीवीपी जबरदस्ती कॉलेज गेट को बंद कर कक्षाओं का बहिष्कार कर रही थी। वहीं एनएसयूआई कॉलेज गेट बंद करने का विरोध कर रही थी। एबीवीपी के कार्यकर्ता चाहते थे कि जो कॉलेज गेट बंद है वो ज्यादा से ज्यादा देर तक चले। एनएसयूआई गेट को जल्द खुलवाने का प्रयास कर रही थी। दोनों छात्र संगठनों में इस बात को लेकर तनाव साफ देखा जा रहा था। हालत ज्यादा ना बिगड़े इसलिए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया और डिसिप्लिन कमेटी ने छात्र नेताओं को समझा बुझाकर गेट खुलवा दिया। और जहां एबीवीपी इस बंद गेट को बेहद कामयाब मान रही थी,
बीएनएसयूआई का कहना है कि बंद गेट को खुलवाने में वे कामयाब रही, लेकिन ऐसे में उन छात्रों का क्या हाल रहा जो दूर दूर से कॉलेज में पढ़ने के मूड से आए थे, उनकी कोई सुध ही नहीं ले रहा। एबीवीपी सोलन इकाई अध्यक्ष शुभम ठाकुर ने कहा कि कॉलेज प्रशासन एबीवीपी से सौतेला व्यवहार कर रहा है, यहाँ तक कि पिछले कल उन्हें कॉलेज के भीतर बैठक करने की इजाजत नहीं दी। और उन्हें कॉलेज में बैच तक नहीं लगाने दिए जा रहे। कॉलेज का स्टाफ अन्य छात्र संगठनों से मिलकर उनके साथ राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज कॉलेज बंद कर दिया था, जिसके चलते कॉलेज प्रशासन को उनके आंदोलन के आगे झुकना पड़ा, जो एबीवीपी की बहुत बड़ी जीत है। बीएनएसयूआई के छात्र नेता ने कहा कि एबीवीपी द्वारा छोटे से मुद्दे को लेकर कॉलेज का गेट बंद किया गया, जिसकी वजह से पढ़ने आए छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन एनएसयूआई ने एबीवीपी के गेट बंद की योजना को सिरे नहीं चढ़ने दिया और गेट खुलवाकर सभी विद्यार्थियों को कक्षाओं में भेज दिया, इसलिए ये उनकी जीत है। उन्होंने कहा कि जहां तक मांगों की बात है, वे तीन छात्र संगठनों की मांगे कॉलेज प्रशासन ने मान ली है और कल उस संदर्भ में बैठक रखी है। वही कॉलेज के उप प्रधानाचार्य ने बताया कि आज एबीवीपी के द्वारा गेट बंद किया गया था, लेकिन उसे जल्द खुलवा दिया गया। सभी छात्र संगठनों को कल बैठक के लिए बुलाया गया है, जो भी उनकी मांगे होंगी उन्हें सुना जाएगा।